आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज के मुख्य समाचार। थाना जनकपुरी पुलिस ने जनता रोड से पकड़े 3 छात्री लुटेरे, 5 मोटरसाइकिल हुई बरामद। बढ़ती महंगाई के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने दिया एक दिवसीय धरना। पंजाबी गुरुद्वारे में श्रद्धा के साथ मनाया गया श्री गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत पर्व। जैन डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय चित्रकला प्रतियोगिता का मेयर संजीव बालिया ने किया उद्घाटन। सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा ने की पत्रकारों से वार्ता। उत्तर रेलवे नाटक क्लब माल गोदाम रामलीला का ध्वजारोहण के साथ ही हुआ शुभारंभ। श्री राधा कृष्ण मंदिर क्लब गांधी पार्क रामलीला का हवन यज्ञ के साथ किया गया शुभारंभ। राशन माफियाओं के खिलाफ व्यापार मंडल ने सौंपा कमिश्नर को ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि थाना जनकपुरी पुलिस व सर्विस लांस और स्वाट टीम द्वारा जनता रोड से 3 छात्र लुटेरे शुभम पुत्र सतपाल, अर्जुन पुत्र सतपाल व नदीम उर्फ रोहित पुत्र अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फ़ोन, 1 बैग, 1 ATM कार्ड व 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों से कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। भाई साहब, इससे तो पूछना, मेरी तो मिठाई भाई काका ने ठहरी गाड़ी चल लूटने वाले। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा सीओसीटी सेकंड मुकेश मिश्रा, एसएचओ जनकपुरी एसके दुबे, सर्वेलेंस इंचार्ज विजेंद्र रावत और मुबारक हसन के नेतृत्व में जो लगातार मोटरसाइकिल छीनने और मोबाइल छीनने की वारदात जिले में हो रही थी, उसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इस गैंग से जो अभी रिसेंटली 1 माह के अंदर 3 वारदातें जो अलग अलग जिले में की गई थी, सरसावा, रामपुर और जनकपुरी, इन 3 घटनाओं की बाइकें और जो मोबाइल नंबर इनमें लूटे गए थे और जो पैसा लूटा गया था वो बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 वारदातों में जो बाइक यूज़ की गई वो बरामद हुई है और 2 315 बोर के तमंचे बरामद हुए हैं। मोबाइल जो लूटे गए थे वो बरामद किए गए हैं। इन बदमाशों की मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार थी कि ये कई बार शराब की दुकान पर बैठ जाते थे, वहाँ से जो शराबी शराब ले खरीदने के बाद में वहाँ से अपनी बाइक से जा रहे हैं उनको रोक करके ओवरटेक करके उनकी बाइक छीन लेते थे। जनकपुरी में जो वारदात की गई है, लेट आवर्स में अकेले व्यक्ति को देख करके ओवरटेक करके उसको रोक करके उसका पर्स छीना गया और उसका मोबाइल छीना गया तथा उसकी बाइक छीनी गई। इस प्रकार ये अकेला शिकार देख करके उसको शिकार करते थे और वारदात का टाइमिंग 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक रहा है। तो इस प्रकार से लगातार वारदात कर रहे थे। इसमें दोनों शुभम और अर्जुन ये दोनों भाई हैं। इसके अलावा नदीम उर्फ रोहित जो तीसरा लड़का है, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो इनका साथी है। शुभम और अर्जुन पर पहले लगभग 13 मुकदमे हैं, जिसमें गैंगस्टर और गुंडा एक्ट भी हैं और इसके अलावा लूट और 356 की वारदातें जो इन्होंने स्नैचिंग करी है वो कायम की गई इनके ऊपर। और नदीम उर्फ रोहित, इसका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस टीम को 10,000 रुपये के इनाम की SSP महोदय के द्वारा घोषणा की गई। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दाम व बेरोजगारी के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल ने आज हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना देकर अपना विरोध जताया। धरने में मुख्य अतिथि के रूप में युवा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम रजा पहुंचे और धरने को संबोधित किया। इस दौरान काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतंत्र, जिंदाबाद।
नहीं किया, सीधे खड़ा हो जाए। अभी बस कार्यक्रम शुरू हो रहा है, अभी हमारे हम सब लोग अपने विचार रखेंगे और इसलिए मैं गौरव प्रताप जी से कहता हूँ संचालन शुरू करें। जो कल काफी कराया वो सामने आके बैठ गया। बस बस हो गया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का ज्योति जोत पर्व आज गौशाला रोड स्थित पंजाबी गुरुद्वारे में बड़े प्रेम व श्रद्धा के साथ मनाया गया, जिसमें बाहर से आए सभी रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया और कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर एमपी सिंह चावला द्वारा किया गया। जेवी जैन डिग्री कॉलेज में आज से 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मेयर संजीव वालिया सहित अन्य अतिथियों ने फीता काटकर व दीप जलाकर किया। सर्किट हाउस के सभागार में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम वर्मा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए आगामी दिनों में सहारनपुर में किसान मोर्चा की होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हम लोग किसान मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक है हमारी जो भी योजना रचना होगी वो किसानों के निमित्त ही होगी और उसी से संबंधित सब विषय हमारे देखिए उसमें जो भी कार्यक्रम होंगे वो हम उसी कार्य समिति में अनाउंस करेंगे, उसे मैं आज अनाउंस नहीं कर सकता। जो भी हम लोग उनके कार्यक्रम रहेंगे वो सब उसी में मैं अनाउंस करूंगा। आज मैं अगर उन्हें अनाउंस कर दूंगा तो उनका कोई विषय नहीं रहेगा। यात्रा कौन सी जो हमारी अभी होकर किसान यूनियन की ठीक है, उन लोगों ने यात्रा की, वो लोग गए अपना विषय उन लोगों ने रखा और उनकी 9 मांगे थी जिसमें से 7 मांग ली गई हैं और 7 वह मांगे थी जिनके ऊपर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं जी रखी हर किसी को अधिकार है लोकतंत्र में अपने विषय को रखने का, उन लोगों ने अपनी मांग रखी, उसमें से 7 मांगों पे हम लोगों का लगभग कार्य चल रहा है। हम लोग पहले से ही उनके प्रति काम कर रहे थे, इंटरनल हमारा वर्क चल भी रहा और हम लोगों ने उसको कहा ठीक है ये हम लोग आपकी मांगों को स्वीकार करते हैं। उत्तर रेलवे नाटक क्लब माल गोदाम रामलीला व दशहरा महोत्सव का बुधवार की रात सुंदरकांड के पाठ व ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ किया गया। रामलीला के मंचन का उद्घाटन मुख्य अतिथि पाली कालड़ा भरत करणवाल व मेयर संजीव वालिया ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष रवि जुनेजा द्वारा किया गया। स्वागत अभिनंदन भारत गणवाल जी का आज का उद्घाटन इनके कार्यक्रमों द्वारा उत्तर रेलवे नाटक क्लब में काफी वर्षों से आपका सहयोग प्यार सम्मान हमसे बना हुआ है। चलिए हम सभी लोग पीछे पीछे थोड़ा सा हो जाए। श्री राधा कृष्ण मंदिर क्लब गांधी पार्क रामलीला का शुभारंभ बुधवार की रात झंडा यात्रा निकालकर व हवन यज्ञ कर किया गया। इस दौरान क्लब के पदाधिकारी व सदस्यों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर धर्म लाभ उठाया।
राशन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारी उद्योग बंधु का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष शाहिद अंसारी, जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा के नेतृत्व में कमिश्नर कार्यालय पहुंचा और एक ज्ञापन कमिश्नर को सौंपकर राशन माफियाओं पर कार्यवाही की मांग की। प्रमुख पदाधिकारीगण आए हैं कमिश्नर साहब के पास सहारनपुर में राशन माफियाओं को लेकर। वास्तव में जिला प्रशासन अगर राशन माफियाओं पर राशन माफियाओं पर सिलेंडर करना चाहता है तो पहले इनकी कमर तोड़े, उसी को लेकर राशन माफियाओं के खिलाफ हम ज्ञापन देने के लिए कमिश्नर साहब के माध्यम से आए हैं, तो उनकी जांच कर लें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।